आज ये एक सरप्राइज है। आज सर्वपिंडी रेसिपी हमारे यहाँ पे बना रही, कैसा बनाती कि देखेंगे। चलो, मैं चावल के आटा छन्नी पकड़ के रख ले रही। हमें कोल से एक चूल्हा चुलगा लेंगे। हमें कोल से एक चूल्हे पे बना रहे, टेस्टी आती है कोल से एक चूल्हे पे बनाए तो रोटियाँ। चूल्हे में पहले लहसुन डालेंगे, लहसुन के बाद थोड़ा मिर्ची, इसके बाद भुने सो फलिक बीन्स डालेंगे। तो पूरा मिला के थोड़ी देर कुचलेंगे। थोड़ा पीस गए बाद में निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। अब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पहले प्याज डालेंगे, कड़े काट लेना प्याज, और जीरा डाल लेंगे। अपन कुचल कर रखी सो पाउडर मिला लेंगे मिर्ची का। थोड़ा लोग डायरेक्ट मिर्ची डाल लेते, नहीं ऐसे पीस के डाले तो अच्छा टेस्टी रहता, मज़े के रहता। अब नमक ऐड करेंगे, नमक मिला लेंगे। अब करिया पत्ता ला के धो के अच्छा तोड़ के डाल लेंगे। अब वो पूरा मिक्स हुए जैसा मिला लेंगे। मिला लिए के बाद अब पानी डाल के गुनेंगे आटा को, अच्छा गुन को, अच्छा नरम से गुन के रख लेना। आटा थोड़ा बहुत है ना, पहले थोड़ा थोड़ा गुन के रख ले रही, बाद में से पूरे मिला ले सकते। पूरे गुन के बाजू पर रख ली, डिश लेना। डिश लेके डिश में थोड़ा तेल डाल के थोड़ा बड़ा लुंडा लेना, लेके सॉफ्ट या तक वैसे गोल गोल पिराते रहना। गोल गोल पिरा बाद में थोड़ा मैं एक्स्ट्रा दिखिया मैं निकाली। अब लेके बगने को दबाना, गोल बगना चौड़ा करना। अब ये पूरा दबाए ना, दबाए बाद में होल्स लगा लेके उसमें तेल डाल लेना। तेल डाले तो अच्छा जलता रोटी। चूल्हे को चढ़ा दी हूँ, चढ़ा दे को ढक्कन लगाना, ढक्कन लगाए तो अच्छा पकता। देखे कितना अच्छा है रोटी, कितना अच्छा जल गया। टेस्टी सर्वपिंडी रोटी बन गया। आप भी बना लो, खा लो, कमेंट करो। ये सर्वपिंडी तेलंगाना में बहुत फेमस है।